आयत नंबर 2। इस आयत पे अच्छी तरह तवज्जो फरमाएं और देखें कि ये हमारे अंदर है या हमारे साथ ऐसा होता है कभी कभार या ऐसा नहीं होता, चूँकि इन नमा के साथ ये आयत अल्लाह ने बयान फरमाई। मोमिन तो सिर्फ वो हैं, इन नमा का तर्जमा ये, मोमिन तो सिर्फ वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं जिक्र खुदा से। कुछ लोग हैं जो जिक्र खुदा से बेजार हो जाते हैं, उनको मज़ा ही नहीं आता, और जब उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा कर देती हैं। आयात कुरान जब सुनते हैं या मसलन पढ़ते हैं तो उनके ईमान में इजाफा होता और वो अपने रब पर तवक्कुल यानी भरोसा करते हैं। और क्या निशानी है मोमिनों की, अगली आयत 3, जो नमाज कायम करते हैं और जो रिज्क हमने उन्हें दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते। 4, यही लोग हकीकी मोमिन हैं, ये लोग इन सिफात वाले लोग हकीकी मोमिन। हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे मसलक का बंदा है, सब मसलक यूं ही है, जो हमारे मसलक का है वो मोमिन है, जो हमारे मसलक का नहीं है वो मोमिन नहीं है। इधर देख, ये सिफात अल्लाह ताला कह रहा है ये हकीकी मोमिन है, बाकी तुम्हारे चाइना मेड मोमिन है, खुद तुमने गढ़ लिए दो नंबर माल। मोमिन वो है जिनमें ये सिफात हो। यही लोग हकीकी मोमिन हैं, इनके लिए इनके रब के पास दरजात हैं और मगफिरत है और बाइज्जत रिज्क है इनके लिए।